अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइस, आज से हम चले जाते हैं पीछे, फ्लैशबैक पीछे 17th century। इस मतलब 54 ईयर बैक। यस, 54 ईयर हो गए हैं बांग्लादेश में, 53 ईयर हो गए हैं बांग्लादेश को बने को, पर हम 70 की दिहाई में जाते हैं कि 70 में बांग्लादेश कैसा था। ढाका कैसा अब था? तो ढाका कैसा? हाँ, बांग्लादेश का अपना कैपिटल देखते हैं 70 की दिहाई में अपना ढाका कैसा था। अब तो खैर ढाका मिनी यूरोप है ना, ठीक है। मतलब वहाँ से मिनी यूरोप कैसे पहुंचा है। चलो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जर्नी फॉर ढाका। अच्छा अच्छा, इसके तब भी ये सार्जेंट चलते थे, आज भी चलते हैं इसी तरह के। नवाबपुर रोड, नवाबपुर रोड ब्रिज था पहले इस तरह। तब रिजल्ट भी देख लेंगे। पाकिस्तान सिटी यार, तब भी अच्छा था यार, मुझे भी ठीक था। 70 में ये पाकिस्तान का हिस्सा था। हां, 70 में ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जनरल इलेक्शन कैंपेन, गाड़ियां बहुत नायाब था, साइकिल बहुत नायाब था यार। ब्लैक एंड व्हाइट था तब सारा कुछ, तब सबसे महंगी गाड़ी ये गाड़ी थी, व्हाइट। हाँ, ये बैल गाड़ी। किसी ने वीडियो काफी देर की सेव करके रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तब भी काफी अच्छा था। ढाका यूनिवर्सिटी, सीएनजी के तब भी चलते रहे। ढाका यूनिवर्सिटी, आप देखें यूनिवर्सिटी कैंपस तब भी यूनिवर्सिटी का अच्छा बनाया हुआ। अगर हम तब से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा। सत्तर की दिहाई में ऐसे ही है यूनिवर्सिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट, तो देख लो सारे मिलजुल के सारे ये है मजार नेशनल पार्लियामेंट। बस पे लोग लटक के जा रहे हैं। ये कैंपेन हो रही है, ये रस्म आज भी चल रही है। वो देखो वो खुद चला रहा है। हाँ, ये होते थे ना, एक आगे पीछे। ढाका सिटी कमाल है यार। अच्छा ये ये था 70 की दिहाई में बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की कैंपेन लोगों ने भरपूर तरीके से की थी, क्योंकि हर को मांग होती है कि हमें एक नया मुल्क मिले, ठीक है। और वाकई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ था 70 में। मतलब ये मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने अलग होके ना पाकिस्तान से बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। बहुत अच्छा, अच्छा देख लो
डिसीजन लिया है और आज कहाँ पे है, ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पे है और बांग्लादेश कहाँ पे है। आज तो वो पाकिस्तान पर हंसते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी है ना, उनको लीडर मिले हैं मुखलस जो मुल्क के खैर खा थे, उसने आपका लीडर बनना था पर आपकी गवर्नमेंट ने नहीं बनने दिया यार, यही तो बात है ना, ठीक है जी, ये यही लीडर हमारे लिए मुखलिस होना था, ठीक है, हमने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट की है वो इस टाइम देख लो कहां पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान का नाम जैसे अब बांग्लादेश का नाम हर जगह पे है, इसी तरह पाकिस्तान का नाम भी आना था, पाकिस्तान बड़ा भी होना था ना, बांग्लादेश भी पाकिस्तान एक होने थे, एक होना था। बांग्लादेश की इस टाइम जो गारमेंट्स है ना वो इंडिया भी मजबूर हुआ पड़ा के बांग्लादेश से हम गारमेंट्स परचेज करें, क्यों वहाँ पे उनकी गारमेंट्स इतनी फेमस है ना कि कमाल है, लीडर उनके कमाल, उनकी इस टाइम इकोनॉमी देख लो हमारे से कई गुना ज्यादा, ठीक है, उनके रोड्स, उनके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग बेटर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की निस्बत कंपैरिजन किया जाए ना तो पाकिस्तान बहुत नीचे और बांग्लादेश बहुत ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो सत्तर की दिहाई है। आपने एक चीज देखी है कि वो जब उनका पार्लियामेंट बन रहा था तो सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम किया, मेहनत की है उन्होंने, और यार इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाली लोग जो है ना वो बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है, क्यों इन्होंने वो टाइम देखा है जब सत्तर की दिहाई थी ना, जब ये 1971 में सेपरेट हुए हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है, ये जस्ट मछली और चावल खा के इन्होंने आज अपना मुकाम बनाया है, और जो नीचे से ऊपर जाता है उसको पता होता है कि मेहनत क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पे तो सियासतदान थे इनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, तब क्यों, तब एक साथ थे सब सारे, ठीक है, फिर जब इलेक्शन हुआ जब देख लिया कि वो जीत गए हैं तो उन्होंने कहा तुम उधर हम इधर, ठीक है, फिर ये नारा लग गया। बांग्लादेश वाले वैसे आज सोचते होंगे कि हमने अच्छा कदम उठाया। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर वो हमारे साथ होते तो हो जाता, मतलब लेकिन नहीं, अगर वो हमारे साथ होते तो पाकिस्तान में कुछ होता। नहीं नहीं, ऐसी पाकिस्तान में यही कुछ, तब भी यही कुछ हो रहा था ना, तब इसलिए उन्होंने तो लीडर बनना था, इसी वजह से वो लीडर तो बनना था, पर मुखातल जो फाप की फौज है उसने तो अंदर आना ही आना था ना, इसलिए तो उन्होंने लैदा की है। गैर से ऐसी बातें यार ना करो, ठीक है, बट ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश ने अपने कम टाइम में ना अपने आप अच्छा, को एक चीज है बेटर मुकाम पे ले लिया। जो मतलब लेडीज है ना वो भी बहुत मेहनत करती हैं। हां बिल्कुल, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ज्यादा लेडीज ही चला रही है, वो लेडीज ही चला रही है, ठीक है। और ये वैसे भी आपसे सलमान ने फरमाया कि अगर आपका एक जगह काम ना चले तो आप हिजरत तक कर लो, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जब यहाँ से विनिंग हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन्होंने कोई इतना दंगा फसाद नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ पे बांग्लादेश को अपना कर लेते हैं, बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान मतलब था। देखा जाए तो शेख हसीना वाजिद ने फिर करके दिखाया, बिल्कुल शेख मुजीबुर रहमान ने समझ लो कि एक चीज की बुनियाद रखी, ठीक है, और उसको परवान चढ़ाने के लिए शेख हसीना वाजिद आई, ठीक है, और स्टिल नाउ अभी तक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक ग्राफ होता है ना जैसे, ठीक है जी, अप डाउन होता है, ठीक है, बट बांग्लादेश का सिर्फ अप ही हो रहा है इस टाइम, ठीक है, और अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को। तो गाइज आपको कैसे लगा 70 की दिहाई, ठीक है, बांग्लादेश कैसा था 70 में और अब कैसा है, अगर आप किसी दिन हम ये कंपैरिजन करेंगे, ये वीडियो ओल्ड वीडियो और न्यू वीडियो दोनों चलाएंगे, ठीक है, कंपैरिजन में ये है कि बेहतर पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने तो देखा हुआ है ना क्या, मतलब ये कि न्यू भी देखा और ओल्ड वाला भी आज हमने वीडियो देख लिया यार, एक साथ देखेंगे ना कितना फर्क आएगा। हाँ, ये तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, आपने कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।